है पागल, रोए के ना। नीरव तो से कुछ बात करे रहे, आवा बोले। विधायक जी, हमार बहिन के बड़ इच्छा रहे कि हमारी भगना सरकारी स्कूल में ना कोनो बड़ अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन डरन उतो से ही बात ना का पुलिस कहे कि तू बड़ा स्वाभिमानी बड़ा, कहीं तुहें बुरा ना लग जाए। बहुत अच्छा कहनी विधायक जी, जे उनका मन के बात बता देनी, हम उनकर इच्छा पूरा करब। पढ़ाई अपना बेटा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हाँ जी कहिए। बच्चा के एडमिशन करावे के बाद बच्चे का नाम बताइए। My dear student, yesterday we have learnt about Kalinga, okay? Yes, ma'am. Yes, you, stand up. Now, tell me, why did Ashoka attack on Kalinga? Ji. Huh? Where did you study before? Ji. इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? जी, सरकारी स्कूल में। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, रिक्शा चलावे ले। रिक्शा चलाने वालों के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ने लगे हैं। गो बैक एंड सिट। जी। आई सेड पीछे जाओ इडियट और बैठो। एक्सक्यूज मी मैम। यस। दिस इज नॉट द वे टू बिहेव विद एनी स्टूडेंट। व्हाट डू यू मीन? I mean it, ma'am. Your job is to teach student properly, not to treat them badly. बहुत बदतमीज लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। Don't worry, I will help you, okay? अरे इतने निमंत्रण कार्ड बा, बहुत सुंदर है बेटा, के कर है? ये हमरा दोस्त राधा के है पापा, आज रात में उनकर बर्थडे पार्टी है, हमरा के ले चला ना। हाँ हाँ बेटा, जरूर लिया चलब हम। वीरेंद्र प्रताप सिंह, अरे तो बहुत बड़ा मंत्री हमें। हाँ, राधा उनकर है बेटी बाड़ी। आए आए राघव बाबू। का बात है वीरेंद्र बाबू, लगा था बेटी के जन्मदिन ना, बेटी के ब्याह का सजावट कैले बानी। राघव बाबू, वीरेंद्र सिंह के हैसियत बेटी से शुरू होके बेटी पे खत्म हो जाला। का बात है? आप देरी काहे के भैया, केक काटे के रसम पूरा कर जाए। ठीक बा, तब बोला ना अपन भाभी से। भाभी केक कटवावा। हाँ देवर जी। राधा बिटिया, चले केक काटा। ना माई, जब तक हमरा दोस्त आदित्य ना आ जाए तब तक हम केक ना काटब। ये आदित्य के है, तू जाना तरह ओकरा के। ना ना, हम उनकरा के नहीं खींच जानत। पापा, वो हमरा स्कूल के बेस्ट फ्रेंड बाड़े। पापा, वो हमरा दोस्त आदित्य। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। इला तोहर गिफ्ट। थैंक्स। ई हमार पापा। प्रणाम अंकल। जुग जुग जिया बिटिया। भैया, ई का बदतमीजी हो। तू हमार बहन होके ई दू कौड़ी के रिक्शा वाला के बेटा से दोस्ती करे लुक शर्म ना आवेला तोके। बेटा कैलाश, एक गलत बात बा। दोस्ती आदमी के औकात ना जज्बात देख के कही जाला। चला माफी मांगा। हम एकरा से माफी मांगब, एकरा लात मार के भगा। देख, हाथ लगाइबे ना तो ठीक ना होई। अब हिले तो लड़का कुल आपस में निपटत रहले हैं। अगर तोहनी में से कोनो हमरा बेटा के हाथ लगौलस ना तो एक एक जने के हिजे तोड़ दे। ए लाखन, तनिका अपन दिमाग के ठंडा करी। काहे कि ई एगो रिक्शा वाला हाथ का भइल, हाथ अपन मेहमान है ना, बुरा मत मानिया। काहे कि वो कोनो छोट मोट आदमी के बेटा ना है, मंत्री के बेटा है, खानदानी असर तो होकबे करी।
आई एक मिनट। ए गजेंद्र। हाँ भैया। ये कालीन कितना के बा हो? 20 लाख के हो भैया। सुन ले, 20 लाख के कालीन है, तनी देख के चली हा। उ कहा है कि तू गड्ढा गुड्ढी में रिक्शा चलावे वाला, ऐसा चिक्कन कालीन पर चले के आदत ना है ना, फिसल जाइबा। और एक बात है, पार्टी में आईला तब बिना खाइले ना जाइया। एक एक दिखा मुंजिनीस के है, कबो जिंदगी में खाए के तो ना मिलल हुई। ई केक से तहार पेट ना भरी तब जा और है। आवा ए सब ढक्कन खोल के दिखावा। जी साहब। ई देख, इलाहाबाद के गुलाब जामुन, ई कलकत्ता के रसगुल्ला। भाई एक बात माने के पड़ी तू गरीब लोगन के, साला पार्टी वार्टी में जाला लोग तो ऐसन जमा के खाला जैसे कबो खाए के मिलले ना होके। और हाँ, पार्टी खत्म होके तक रुकल रहिया, जूठा बर्तन भी तो उठावे के बा है? मंत्री, हमार रिक्शा देख के बड़ा आसानी से तू हमारे औकात के पता लगा लेला, लेकिन तोहके का लगा था तोहार औकात दुनिया से छुपल बा। आज से 20 साल पहले बनारस के रोड पे ठेला पे केला बेचत रहला तू, याद बा? गली गली चिल्लात रहला केला ले लो केला। और फिर तुहार तरक्की भाई मड़ुआ डी के ताराबाई तोहके अपने यहाँ नौकर रख लेला, गाहकन के चाय पानी पियावत रहला, दारू सोडा पहुंचावत रहला और गाहकन के बचल जूठन चाटत रहला। इनका तरक्की के कहानी ये खत्म ना भाई, ई वही ताराबाई के कोठा पे टॉप के दलाल बन गए तो। और दलाली गिरी करत करत आज ही मंत्री बन गए बा, तो पैसा के गर्मी दिखावत है। गलती से तोरा गुलाब जामुन के खुशबू हमरा नाक में चल गई बा, और ई रहल ओकर कीमत। चल बेटा। आदित्य सर, तू कौड़ी के रिक्शा वाला सबके सामने तुहार बेइज्जती करके चल गई और तू चुपचाप पड़ा। सरेआम कैलस यही से चुप पानी। भैया जी। भैया वो रिक्शा वाला के पूरा हिस्ट्री पता कर ले बानी, वो कोनो मामले रिक्शा वाला ना हा, अपना ओपोजिशन पार्टी के पूर्व विधायक और तोहार सबसे बड़ दुश्मन सुशील कुमार के सगा जीजा हा। सुशील कुमार के मर्जी के खिलाफ वो रिक्शा वाला ओकरा बहिन से ब्याह कर ले रहे। एक साल पहले एगो बस एक्सीडेंट में ओकरा बहिन के मौत हो गए। वो रिक्शा वाला के परिवार में और के बा, ओकर माई और एगो बेटा। माई माई ई खाला बता सा और हम के दास। अरे खुश रह खुश रह खुश रह। अरे कितना दिन बाद तोरा के देखत रे माई। आज हम बहुत खुश बानी। हां ते कहत रहली ना हम कोनो काम के नहीं की, ना काम के ना काज के, डेढ़ मन अनाज के, तो लड़का अब कोनो लायक हो गेल हो समझ ले। अच्छा हां, आज हमरो के एगो लड़की मिल गेल बिया। आई लव यू तक मामला पहुंच गेल, मतलब शादी ब्याह भी सब फिक्स हो गेल। अरे तो पंडितों से पूछले हैं कि अपने मन में ब्याह तक एक बैठ गेले। पंडित फंडित से बाद में पूछल जाई, पहले हमरे मोहब्बत का दास्तान सुन। दरअसल लड़की वहर से आवत रहल, हम यहाँ से जा। सुन 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 सुन, तोर मोहब्बत का दास्तान ना हम मड़वा में सुनो। ठीक है, अभी जो पंडित जी के बुला के लिया दिन तारीख धय ली। अरे तोरे ब्याह में तो हम खुद नाचब गाइब रे माई। आशीर्वाद दे, जातानी पंडिते जी का हम कुल दास्तान सुना दे। अच्छा जो बोला के लिए फटाफट मंगनी, फटाफट लिया और फटाफट सुहागरा। बाद दो चार दर्जन बच्चे भी आ रहे हैं। Come on!
ले लेना अपन औकात। अगर मर्द के बच्चा रहते तो हमरा माई के ना उठे थे, सीधा हमरा से भिड़ल रहते। चुप सरवा, तो के ओहे दिन पोटी पोटी काट देले रहती जब तू हमार बेइज्जती कइले। उ हमार घर रहे और हमार मेहमान रहे, यही से बच गइले। मार एकरा के, मार। अपन जीजा निरहुआ के जान बचावल चाहत हड़े तो राम मंदिर पे आजो। हेलो क्या बोलता? हेलो ड्राइवर, गाड़ी जल्दी घुमाओ, राम मंदिर, राम मंदिर की तरफ। अरे तो पापा के रिक्शा। पापा, पापा, बेटा, 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 पापा। अरे देखा क्या बड़े, खत्म कर दे बुड्ढे। विश्वास नहीं किया, हमने ड्राइवर से पूछ लिया। का रे, चल सही से बताओ, का भाई लाओ? हम देखनी है साहब, हमरा आंख के सामने ही अपना जीजा का मर्डर कर ले हैं। इनकर पुरानी दुश्मनी रहे साहब। अरे नमा करा, फट ले जा थाना में। दादी तोरा पीछे गुंडा कहे लागल रहले हैं? हमरा के कुछ नहीं के पता, तू चुपचाप बनारस चला। ना दादी, हम अपना पापा के छोड़ के कहीं ना जाई। लेकिन बेटा, वो तो हमने के छोड़ के चल गई ले। दादी। हाँ बेटा, कुछ गुंडा लोग तेरे पापा के जान से मार दे ले। अब तोरा पीछे पड़ल बड़े बेटा, हम तोरा के कुछ ना होके दे। दादी ओके रहलन, तू हमरा के बतावा, ओहिने के हम ना छोड़ा। ना बेटा, तोरा के हम आके जा, चल बनारस, चल, चल बनारस चल। रुक, आओ बेटा, आज, चक्रधारी भैया, बुआ जी, चक्रधारी भैया, बाबू जी। अरे दीदी, तू अचानक? हाँ बताओ, तू इन्हें बैठा। हाँ भैया, अंदर आवा। कहे उदास बड़े भाई? हमरा पापा के बहुत याद आवता। कहाँ बड़े तोहर बाबू जी, हमके छोड़ के चल गई ले। ये तो बहुत बुरा भइल है दीदी, तू चिंता मत कर, तोहरा रहले का सब इंतजाम हो जाये। ताजे रात हिंद दफा 302 के तहत ये अदालत मुजरिम सुशील सिंह को नीरव यादव की हत्या के जुर्म में 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। का हाल बा विधायक, जेल में कोनो तकलीफ हुई तो बतैया? वैसे चिंता के कोनो बात ना, बहुत जल्द तहरा भगीना के खोज के ओकर बोटी बोटी कई के जेल में तहरा रोटी खाए खातिर भेज दे।
हमारा साथे जौन कहले तौन कहले हमारे भगीना के साथ कुछ कहले ना तो हमसे बुरा क्यों ना होई। ए 14 साल जेल में सरला के बाद तोहार शरीर के कोनो हड्डी में इतना ताकत ना बची कि हमनी के कुछ उखाड़ सकबे। रिहाई के दिन याद रखिए, हम जेल से और तू दुनिया से रिहा होकबे। ला खाला बेटा। तू खाना खैलू है दादी? तू खाला, हम बाद में खा लब। अरे बेटा कहाँ जाता रे, खाना तक खा ले। ना दादी, जब तक हम दोनों खातिर दो वक्त के रोटी के जुगाड़ ना कर ले तब तक हम खाना ना खाए। अरे तू तो लड़का वाला, हम दो आदमी के रिक्शा पर बैठा के लेके जाइबा, इतना पावर तोरा में नहीं है, जा तू। अरे चचा, जब ना आदमी के नाम लेके तू हमरा के बुलावले हा, वो नाम में इतना पावर बा, तू बैठ के तो देखा, ये रिक्शा लेखा ना हवाई जहाज लेखा उड़ी। अच्छा चला भैया बैठा, चला चला चला। दादी इला सब्जी और राशन, अब तोरा के भूखा ना रह के पड़ी दादी। बेटा तू हमार पोता ना, तू तो हमार बाप बन गए रे।